हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। दिस इज योर टीचर धीरज अरोरा और आज हम करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ से रिलेटेड हमारी रोजमर्रा की चीज़ें, जिसमें कि जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ऐसे फंक्शन जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और हमें ज़िंदा रहने के लिए भी। सो लाइफ प्रोसेस इज द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कैरी ऑन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एटसेट्रा। इसमें न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना अच्छा है और अच्छे तरीके से उसको खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। रेस्पिरेशन, सांस लेना। एक्सक्रीशन, खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है उस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी में से निकालने की प्रोसीजर को, प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन वो होता है जो हम अपने जैसे यंग वंस रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ग्रोथ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, ये सारा कुछ डिपेंड करता है लाइफ प्रोसेस में। सो इन सारी लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? That energy is provided by food. So that is why it says to carry on these process, our body needs energy. This energy is provided by food. Food जो होता है that acts as fuel, which provides energy to all the living organisms. For example, carbohydrates, minerals, vitamins and fats. सो नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ये वो प्रोसेस है जिसकी मदद से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड लेता है। द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से फूड इनटेक करता है। दैट मींस फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, हम फूड को मुंह तक लेके जाने के लिए हैंड्स यूज करते हैं। वेयर एवर कुछ एक एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी टांगों का यूज करते हैं और कुछ एक एनिमल्स ऐसे जो डायरेक्टली फूड इनटेक करते हैं। However, there are two main type of nutrition, autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, वो nutrition होता है by which living organisms prepare their own food. कि जो living organism है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे organism को हम कहते हैं autotrophic nutrition. Organism which can make their own food are called autotrophs. ऐसे organism को हम क्या क्या कहते हैं? Autotrophs. And it is also of two types. ये दो तरह के होते हैं। One, phototrophic nutrition, जिसको हम बोल देते हैं photosynthesis. Phototrophic means which are टेकन विद दी हेल्प ऑफ फोटो। फोटो मीन्स लाइट। जो लाइट की प्रेजेंस में न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस। देन नेक्स्ट इज कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेसिस, जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है फूड को प्रिपेयर करने की। अब हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस की ओर। फोटोसिंथेसिस, it is the synthesis of food by green plants using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and also the chlorophyll.
ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद तैयार करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फॉर एग्जांपल, जो ऑल ग्रीन प्लांट्स हैं वो मेरे क्या करते हैं, इस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द प्रोसेस कीमोसिंथेसिस। इट इज ए प्रेपरेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, सम बैक्टीरिया। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ये रिएक्शन जैसे कुछ एक बैक्टीरियाज होते हैं वो किसी डेड एंड डिकेइंग एनिमल के ऊपर रिएक्शन करते हैं और प्रोसेस कहलाती है कीमोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स ग्लूकोस एंड सल्फर। सो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेसिस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म शोइंग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा न्यूट्रिशन मीन्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फोर टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वन इज सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड फोर्थ इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। और सबसे पहले मेरे पास है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इट इज इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जाम्पल, डेड प्लांट्स एनिमल्स एटसेट्रा। ऑर्गेनिज्म शोइंग सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो इस तरह का न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहता है, उससे फूड लेता है। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग एनिमल के ऊपर रहते हैं, उनसे फूड लेते हैं एंड सेप्रोफाइट्स कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल फूड। उनको क्या करते हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को एंड दिस सिंपल फूड इज देन एब्जॉर्ब बाय सेप्रोफाइट्स। फिर ये सेप्रोफाइट्स इस सिंपल फूड को खा लेते हैं। नेक्स्ट देयर इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड लेता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि बालों में अक्सर जूएं होती हैं, तो वो जो जू होती है सिर के अंदर वो क्या करती है, वो खून या ब्लड चूसते रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इस तरह से अपना न्यूट्रिशन करती है। ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। और जो ऑर्गेनिज्म उनको अपने शरीर के ऊपर रहने देते हैं या जो उनको फूड प्रोवाइड करते रहते हैं उनको हम कहते हैं होस्ट। उनको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, प्यूसिनिया एस्कैरिस जिसको हम राउंड वॉर्म भी बोल देते हैं। देन लीच इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल जो पानी में मिलती है। नेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन।
It is a mode of nutrition in which organism takes solid or liquid food through mouth. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है सॉलिड या लिक्विड फूड को अपने माउथ तक लेके जाता है और माउथ से आगे फिर फूड पाइप में एंड देन डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू होता हुआ उसमें से हमारी बॉडी मिनरल्स और इंग्रेडिएंट्स इनटेक करती है और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देती है। तो अब ये होलोजाइक न्यूट्रिशन होता क्या है, कुछ एक एनिमल्स तो क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या करते हैं अपने हैंड्स यूज करते हैं और कुछ एक एनिमल्स अपने लेग्स यूज करते हैं और कुछ एक एनिमल डायरेक्टली दे टेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ। द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में होता है फूड, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपल फूड विद इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। और ये सब एंजाइम्स जो बॉडी के अंदर हैं वो हम अगले टॉपिक के अंदर भी पढ़ेंगे अंडर द प्रोसेस विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, विच इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम पढ़ेंगे ये। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट होलोजोइक एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थ्री कैटेगरीज। वन इज हर्बीवोरस, ये आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और फॉर इसका एग्जांपल है काउ, रैबिट, होर्स, डियर एटसेट्रा। एंड देन वी हैव कार्निवोरस। कार्निवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट ओनली फ्लैश और मीट, फॉर एग्जांपल लाइन, लायन एंड टाइगर। देन वी हैव ओमनिवोरस। ओमनिवोरस के एग्जांपल्स मैन, रैट, कॉकरोच, क्रो, इस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ फ्लैश और मीट एंड प्लांट्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से वो अपना फूड जो है वो क्या करते हैं, लेते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इशीरिया कोलाई, वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। इट टेक्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम ह्यूमन एंड इन रिटर्न प्रोवाइड विटामिन बी टू द ह्यूमन एंड बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Till then, stay safe, stay healthy. Good day.